अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अब ड्रोन हमला हुआ तो नेटो सप्लाई बंद कर देंगे, इमरान खान का ऐलान। पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुत्तहिद। कराची को असलहे से पाक किए बगैर अमन मुमकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का उबूरी फैसला। क्या सिंध हुकूमत कर्फ्यू लगाकर घर घर तलाशी ले सकती है? गोश्त के बाद सब्जियां और दालें भी अवाम की पहुंच से दूर हो गईं। एलपीजी की कीमत में भी इजाफा, अवाम कहां जाएं? तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ऐलान किया है कि अब अगर अमरीका ने हमला किया, ड्रोन हमला किया, तो नेटो की सप्लाई के पीके की हुकूमत बंद कर देगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इस हवाले से वो एक करारदाद लेके आएंगे असम्बली में, सूबाई असम्बली में, जिसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा कि ड्रोन हमले की सूरत में नेटो सप्लाईज को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा तहरीके इंसाफ ने यह भी ऐलान किया कि कल वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे, एक बड़ा मुजाहरा करेंगे। ये भी कहा इमरान खान ने कि ये माजी की तरह ये मुजाहरा नहीं होगा और बड़े पैमाने पर तहरीके इंसाफ के कारकुन शिरकत करेंगे। दूसरी जानब जो मुतहदा अपोजिशन और वफाकी हुकूमत के दरमियान अभी भी टेंशन जारी है। अगरचे आज जो वफाकी वजीर दाखिला हैं, तालिबान से मुजाकरात के हवाले से उनकी ब्रीफिंग तो पार्लिमानी पार्टी के कायदीन ने अटेंड की, लेकिन अभी तक सियासी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका ये कहना है कि अगर चौधरी निसार अली खान ने अपने रवैये पर माफ़ी नहीं मांगी, जो बुध की शाम उन्होंने सेनेट में जो रवैया अख्तियार किया था, अगर उसकी माफ़ी नहीं मांगी तो वो कौमी असम्बली में भी बायकाट करेंगे कार्रवाई का और सेनेट में बायकाट जारी रहेगा। इस सारी सूरत हाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा महरीन अनवर राजा और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब जफर इकबाल झगड़ा साहब। सबसे पहले चलते हैं झगड़ा साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब। झगड़ा साहब, बड़ी सख्त शिकायत है एक तो अपोजिशन को चौधरी निसार अली के रवैये से और वो मुतालबा कर रहे हैं कि माफी मांगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि ड्रोन हमला अगर किया गया तो वो केपीके में नेटो सप्लाई बंद कर देंगे, तो वफाकी हुकूमत के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। शुक्रिया जी। देखिए, बात किया जहाँ तक चौधरी निसार साहब का ताल्लुक है, यकीनन ये बात और ये सवाल तो उन्हीं से होना चाहिए कि उनसे उनका रद्द अमल क्या है। लेकिन देखें, चौधरी निसार साहब माशाल्लाह एक समझदार आदमी हैं और एक बात है, मनसब पे इस वक्त बैठे हुए हैं, वो जो भी बात करेंगे यकीनन वो तमाम जो मेंबरान हैं उनका यकीनन कभी भी नहीं चाहेंगे कोई उनका रवैया से उनको दुख पहुंचे। लेकिन बाज़ औक़ात जो बात होती है उसको जिस तरह में किया जाता है वो कभी कभी अफराद को ठीक नहीं लगता और उसमें जो उनका ये अपना मुद्दा होता है वो कुछ और होता है। लेकिन जो हमारे काबिल एहतराम भाई हैं सेनेट में, शायद उनको वो चीज ठीक नहीं। अच्छा नहीं, झगड़ा साहब चले, ये तो है, ये आपका जवाब आ गया। ये बयान कीजिए कि अब ड्रोन हमलों की सूरत में अगर तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है केपीके में नेटो सप्लाई को बंद किया, बंद कर दिया जाएगा। देखिए जी, जहां तक ड्रोन हमलों का ताल्लुक है, हम ने हमेशा इसकी मुखालफत की है, भरपूर मुखालफत की है, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। और इस के लिए जो भी इकदाम जरूरी हो हमने कहा है, हम हर तरीके से अमेरिका पे ये वाजे। आप नेटो सप्लाई बंद करने का जो फैसला किया, ऐलान किया है इन्होंने तहरीके इंसाफ ने, आप उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जिस तरीके इंसाफ की हुकूमत सूबाई हुकूमत एक प्रोविंशियल इकॉनमी के तहत वो उसको इख्तियार है, वो अपने सूबे में जो इकदाम करेंगे, हम अगर वो सही सिमत में होंगे तो यकीनन हम जो हमारी वफाकी हुकूमत है
वो उनके सही इकदाम को सपोर्ट करें। अच्छा आप मेरे साथ ही रहिए झगड़ा साहब, आप मेरे साथ ही रहिए। जहाँ पर ड्रोन का ताल्लुक है यकीनन हम भी उसकी मजम्मत करते हैं और उसको बंद करने के लिए जो इकदाम किए जाए मैं समझता हूँ आप उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा आप मेरे साथ ही रहिए, मैं महरीन अनवर राजा भी हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा। महरीन साहब आप झगड़ा साहब ने तो ये कहा कि वो चौधरी निसार साहब खुद फैसला करेंगे, उनका जो रवैया है आप भी पार्लियामेंट में हैं ये बताइए कि वो कैसा था। और फिर ये जो इमरान खान साहब ने ये कहा नेटो हमलों की सूरत में नेटो की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, आपकी पार्टी क्या करेगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं समझती हूँ मुल्क एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है और ये जो जंग हमारी नहीं थी मगर हम पे मुसल्लत कर दी गई और इसमें हमारे 40,000 से ज़्यादा सिविलियन और अफवाज के लोग शहीद हो चुके हैं। चौधरी निसार साहब शायद किसी प्रेशर में हैं जिसकी वजह से उनका रवैया इतना तल्ख हो गया है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि आज पार्लियामेंट में वॉकआउट भी हुआ। तो ये चीज़ें हैंडल कर लेने वाली हैं जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, इसको देखेंगे और पर्सनली ये देखेंगे कि आपके मेंबरान वो नेशनल असेंबली में हों वो सेनेट में हों, वो एक नुमाइंदगी रखते हैं 18 करोड़ आवाम की और 18 करोड़ आवाम इस वक्त बहुत परेशान है जो हालात वाकयात चल रहे हैं और जिस तरह बातचीत की बात की जा रही है मगर वो किस पॉइंट पर खड़ी है, वो किससे की जा रही है, लोग परेशान हैं, पोलिटिकल पार्टीज परेशान हैं और मैं समझती हूँ कि शायद मामलात आगे नहीं चल रहे जिसके प्रेशर की वजह से शायद चौधरी निसार साहब को ये रवैया उनका हुआ। और जहाँ तक आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम नेटो सप्लाई रोक देंगे, हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए ये बात ड्रोन हमले हम हमेशा कंडेम करते रहे कि ड्रोन हमले पाकिस्तान के लिए एक मुफीद चीज़ या एक मुफीद नहीं है मगर आज आप मुझे बताएं कि एक क्वेश्चन था या सेनेट में वहाँ बताया गया कि ड्रोन हमलों से जो हैं वो दहशतगर्दी मारे गए हैं, सिविलियन पे उनका कोई मेरा मतलब है कि वो नहीं मारे गए। तो ये एक इस तरह का एक यू टर्न है, ये क्या चेंज है अमेरिका के से आने के बाद। और जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है मैं समझती हूँ हमें रियलिटी की तरफ देखना चाहिए, हमें नारा लगा देना और फिर नारे के पीछे आप उसको कितना परसू कर सकते हैं हमें ये देखना चाहिए। झगड़ा साहब महरीन अनवर राजा तो कह रही हैं कि ये जो ड्रोन हमलों के हवाले से तो जो अदादोशुमार आया है हुकूमत की जानिब से ऐसा लगता है कि यू टर्न आ गया पॉलिसी में। और दूसरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि महंगाई जो हो रही है उसमें अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत सिर्फ IMF को खुश करने के लिए मुआहदा उनके साथ जो है उसको पूरा करने की सही कर रही है, अवाम को रिलीफ देने की बात तो खत्म हो गई। देखिए बात यह है कि मेरीन बीबी का बहुत एहतराम रखता हूँ उनके लिए, उनका अपना एक नुक्ता नजर है उस पर मैं उनको कंडेम तो कभी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि देखें एक तो ड्रोन हमलों पर हमारा मौकफ हमेशा बहुत वाज़े रहा है और हमारी हुकूमत ने सबसे पहले इसको कंडेम भी किया है बल्कि हुकूमत ने नहीं जमात ने आज से बहुत पहले जब इनकी हुकूमत थी और पार्लियामेंट वजूद में आई तो सबसे पहले जो मुतालबा किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने और जॉइंट सेशन हमने बुलाया था जिसमें एक जॉइंट करारदाद पास की गई थी उसमें भी सबसे पहले ये मुतालबा CMLN ने उठाया था कि ड्रोन हमले फौरी तौर पे बंद होने चाहिए। अच्छा आप ये कह रहे हैं मेरे पास क्योंकि वक्त कम है झगड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी तब्दील नहीं हुई आज तो हुकूमत ने, पॉलिसी कभी भी तब्दील नहीं हो सकती, हमने अमेरिका में भी यही मौकफ इख्तियार किया है और अमेरिका ने पहली दफा ये रियलाइज किया है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट स्टॉपिंग द ड्रोन अटैक। मेरे पास वक्त कम है झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महरीन साहब आपका कमेंट चाहूंगा इस पे कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जो महंगाई की काल दी है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज की, आपकी पार्टी उसमें शरीक होगी?
देखिए पहले तो मैं झगड़ा साहब की बात को रिस्पॉन्ड करूंगी। बिल्कुल यू टर्न अगर नज़र भी आ रहा है तो नहीं आना चाहिए। इनका मुतालबा था जब हमारी हुकूमत थी, आज तो हुकूमत इनके पास है। ये ओबामा साहब से मिल के भी आए हैं तो क्या चेंज आया है? 2014 के बाद तो वैसे ही ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे जब आपका इनखला यहाँ से हो जाएगा। तो ये बात करना और नारा लगाना कि हम ड्रोन हमले बंद कर देंगे, आज बात नहीं कर सकते। महंगाई पर बता दें आपकी जमात क्या करेगी? देखिए महंगाई बिल्कुल होशरुबा महंगाई हो चुकी है। जो इस वक्त अवाम ने सोचा था कि शेर आप एहतजाज में जाएंगी तहरीक इंसाफ के साथ, बिल्कुल हम अवाम की देखिए तहरीक इंसाफ के साथ जाना या नहीं जाना ये उनकी कॉल है, मगर हम अवाम के साथ जाएंगे। हम असेंबली के अंदर भी एहतजाज करेंगे और असेंबली के बाहर भी एहतजाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हम अवाम के साथ। महरीन साहबा मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, बहुत शुक्रिया। महरीन साहबा कह रही है कि पीपल्स पार्टी भी जो महंगाई है उसके खिलाफ एहतजाज में शरीक होगी, भरपूर एहतजाज करेंगे। और उनका ये कहना था कि बिल्कुल यू टर्न ले लिया है मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने ड्रोन हमलों के हवाले से। नाज़रीन यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। जनाब अहमद चुनाए हमारे साथ होंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिंध हुकूमत में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो घर घर तलाशी लेकर असला बरामद करने की कोशिश कर सके। लेकिन ये सब एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। कराची बदअमनी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अबूरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि असले से पाक किए बगैर कराची में अमन मुमकिन नहीं है। उन्होंने जो असले के हवाले से जो रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मुस्तरद कर दिया। इससे कबल एडवोकेट जनरल सिंध ने यह कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि सिंध हुकूमत घर घर तलाशी लेने के लिए तैयार है, कर्फ्यू लगाकर असले को बरामद किया जाएगा और सिंध हुकूमत इस हवाले से तैयार है। आज हम बात करेंगे सीपीएलसी के चेयरमैन जनाब अहमद चुनाए से और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कराची शहर को असले से किस तरह पाक किया जा सकता है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जब तक असले को वहां से नहीं खत्म किया जाएगा अमन कायम नहीं हो सकता। और क्या इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध हुकूमत की, जो इस वक्त पुलिस की सूरत हाल है, क्या यह मुमकिन है कि वो कर्फ्यू लगाकर वहां से ये घर घर जाकर तलाशी ले? अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद चुनाए साहब। वालेकुम अस्सलाम अहमद चुनाए साहब, कराची की सूरत हाल पर जितनी गहरी नजर आपकी है बहुत कम लोग उसको उस तरह से समझते होंगे, ये बयान कीजिएगा कि ये जो प्लान अगर सिंध गवर्नमेंट करे असला वहां से निकालने के लिए तो कितनी कैपेबिलिटी मौजूद है इस वक्त सिंध हुकूमत में, ये काम कर सकती है वो? देखिए मैं समझता हूँ कि कैपेबिलिटी तो जरूर मौजूद है और सिंध हुकूमत की विल भी है उसमें, और इस असले को साफ करना पूरे कराची से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर जो है वो दूसरी एजेंसी की मदद भी ली जा सकती है। और हम न सिर्फ घर घर तलाशी की बात कर सकते हैं बल्कि इलाका वाइज जो है वो मैन करके उनकी भी तलाशी ले सकते हैं, ताकि जहर जिस जिन मसाइब का शिकार कराची की आवाम है, जो निहत्ते और बेगुनाह अफराद के कत्ल इस असला के जोर पर कराची की आवाम के साथ हो रहा है और साथ साथ जो क्रिमिनलिटी यहाँ बढ़ रही है उसके खात्मे पर जो हमारी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, हम समझते हैं कि इस ऑर्डर की तामील होनी चाहिए। अच्छा चुनाव साहब, आपने कहा कि सिंध हुकूमत में कैपेबिलिटी मौजूद है और भी एजेंसियों की मदद ली जा सकती है, सारी जमातें ये कहती हैं कि कराची को असले से पाक भी किया जाए, तो फिर अगर कैपेबिलिटी भी है और जमातें कह भी ये रही हैं तो ये काम अब तक क्यों नहीं हो सका? देखिए इसके लिए एक बाकायदा प्लान बनाने की जरूरत है। ये नहीं कह सकते कि हम रात को कहें कि जी असले से पाक कर दो और रात को जो है वो एक्शन शुरू हो जाए, रात को जो है वो कर्फ्यू लग जाए। इसके लिए जाहिर एक सीक्रेट प्लान होगा, एक मजबूत प्लान होगा जिस पर तमाम सेक्टर्स की हिमायत हासिल होगी और इस प्लान के तहत जो है वो कराची को असले से पाक करने के लिए जो है वो आगे पेशरफ की जा सकती है। अच्छा आप तो एक बड़े तवील अरसे से सीपीएलसी के चेयरमैन भी हैं, मामलात को देख रहे हैं, ये प्लान आपने कहा कि बनाने की जरूरत है, तो प्लान क्यों नहीं बन सका आखिर? देखिए मैं समझता हूँ कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में अपने खदशात को इजहार किया है और एडवोकेट जनरल ने यह भी ये तक कहा है कि जिस हुकूमत इस बात के लिए तैयार है कि हम घर घर तलाशी लें, हम तलाशी में कर्फ्यू लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि अब कोई कबाहत इसमें नहीं आनी चाहिए और सिंध गवर्नमेंट जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक मौसर इसकी पॉलिसी बना ले। इससे पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो इस बात को अखबार के जरिए मुस्तैद किया था कि जो गैर कानूनी असला है वो मुतालिका थानों में जमा करा दिया जाए, इसमें कोई खास सक्सेस नहीं आई और लोगों ने विलिंगली जो है वो ये असला जमा कराने की जरूरत महसूस नहीं की।
जब विलिंगली असला जमा कराने की जरूरत महसूस लोगों की तरफ से नहीं की गई तो जाहिर है फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हरकत में आएंगे। मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छी और सही डायरेक्शन में काम किया कि पहले लोगों को नोटिस दिए, अखबार में इस बात को मुश्तहर किया और लोगों से ये दरख्वास्त की कि आप रजाकाराना तौर पर असला जमा करा दें। आज जब रजाकाराना तौर पर क्रिमिनल एलिमेंट जो है, जाहिर है ये गैर कानूनी असला क्रिमिनल एलिमेंट के पास है, क्रिमिनल एलिमेंट इस बात के लिए अगर तैयार नहीं है कि रजाकाराना तौर पर जो है ये गैर कानूनी असला जमा कराए तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट की रिट जो है वो सामने आनी चाहिए और गवर्नमेंट की रिट सामने आ जाएगी और ये असला भी जो है वो बरामद किया जा सकता है। अच्छा, इस पर कमेंट कीजिएगा कि तहरीक के जो MQM है इनके कायद ने भी कहा कि तालिबानाइजेशन हो चुकी है, कराची में बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसमें ये जो इंतहा पसंद है ये काबिज हो चुके हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि बाज़ हुकूमती अकाबरीन जो है वो कह रहे हैं कराची में कोई तालिबानाइजेशन नहीं है, वहाँ पर कोई मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं कालादम तंजीमें नहीं हैं। आप क्या कहते हैं कि क्या कुछ ऐसे इलाके हैं कराची में जहां ऐसे मिलिटेंट्स ने अपना अपना गढ़ बना लिया है? देखिए, कराची में अगर ये मिलिटेंसी ना हो, ये दहशतगर्दी ना हो तो ये फिर बॉम्ब ब्लास्ट की हम कहां से बात कर सकते हैं। कराची में जो बैंक डकैतियां हो रही हैं उसमें भी ये अवामिल नजर आते हैं, कराची में जो अगवा बरए तवान की वारदातें होती हैं उसमें भी ये अवामिल नजर आते हैं, इसके बाद फिर कराची में जो किलिंग्स हैं उसमें भी ये अंसर शामिल है। तो जाहिर है ये एक दहशतगर्दी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कराची में जरूर मौजूद है और उसकी सद्देबात के लिए भी हुकूमत सिंध की तवज्जो जो है वो उस पर भी मरकूज है। बहुत सारे इलाकों में रेंजर्स और पुलिस ने ये ऑपरेशंस किए हैं और उन्हें एक बड़ी सक्सेस मिली है। जब ये अनाउंसमेंट आता है कि फला दहशतगर्द तंजीम का फला सरबराह पकड़ा गया या फला आदमी मारा गया तो ये उनकी यहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की अलामत नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा, एक बयान कीजिएगा कि इस वक्त वफाकी हुकूमत ने कहा, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा, चौधरी निसार साहब ने भी, कि तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है, तो बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स तो कराची में भी हैं। ये बताइए फिर जो ऑपरेशन की बात है, अगर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि फिर ऑपरेशन कराची में कुछ इलाकों में तो नहीं हो रहा होगा या कुछ ग्रुप्स के खिलाफ तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मुज़ाकरात भी तो हो रहे हैं। देखिए, ये बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि ये कार्रवाइयां या ये ऑपरेशन जो है वो क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ है। हम मैं समझता हूँ कि रेंजर्स या पुलिस किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, किसी खास ग्रुप के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी जो है वो तंजीम के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि इनका ये सारा तर फोकस जो है वो क्रिमिनलिटी की तरफ है। बहुत शुक्रिया, मैं आपको रोकूंगा चुनाव साहब क्योंकि वक्त कम है। बहुत शुक्रिया चुनाव साहब, कह रहे थे कि ऑपरेशन जारी है और बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के जारी है, क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, यहां पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इब्राहिम मुगल और इरफान खोखर से बात करेंगे LPG कीमतों में जो इजाफा हुआ है और जो महंगाई का तूफान आया है, सब्जियों की जो कीमत आसमान पर पहुंच गई है, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वैसे तो पाकिस्तान के गरीब अवाम महंगाई का शिकार हैं, रोज़ाना महंगाई होती है, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से उन अशिया की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में है, मसलन सब्जियां। बताया जा रहा है कि अगर हम उन पर नज़र डालें तो आलू की कीमत 30 रुपए उसमें किलो में इजाफा हो गया है, मटर को अगर देखें तो 80 रुपए तक उसमें इजाफा हो गया पर किलो प्राइस में। इसी तरह टमाटर भी महंगे हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं और ये गुज़श्ता चंद दिनों में इनकी कीमत आसमान पर पहुँच गई है और आम आदमी जो है उसकी दस्तर से ये चीज़ें बाहर हो गई हैं। इसके अलावा जो एक दूसरी महंगाई का सामना करना है आवाम को, वो LPG की प्राइस में है। बताया जा रहा है कि उसमें 7 रुपए फी किलो इजाफा हो गया और जो घरेलू सिलेंडर था उसकी कीमत में 80 रुपए इजाफा हुआ है। इसकी वजह तो यह बताई गई है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ ओगरा का, कीमतें पाकिस्तान में इससे पहले ही बढ़ गई हैं। आज हुकूमत यह भी ऐलान कर रही है कि डीजल की पर लीटर कीमत में भी इजाफा होगा, तकरीबन 2.5 रुपए से ज्यादा इजाफा होगा डीजल की कीमत में, जिससे महंगाई का एक और तूफान आएगा। ये सब कुछ अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो जो गरीब आदमी है उसकी जिंदगी में वो कैसे उसको कहीं से रिलीफ मिलेगा? आज हम बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ हैं जनाब इब्राहिम मुगल साहब भी हैं
और इनके साथ साथ जो LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के जनाब इरफान खोकर हैं वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब इब्राहिम मुगल की जानब। मुगल साहब, ये जो कीमतें हैं सब्जियाँ जो हैं जिस तरह बढ़ गई हैं और चंद दिनों में, यानी ये एक हफ्ते का मैंने आपको कंपेरिजन दिया है, ये इसकी क्या खास, इसको जो खास को वजह है इन कीमतें बढ़ने की, या सिर्फ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म ना होना इसकी वजह है? समी साहब बहुत मेहरबानी आपकी, अब तो वक्त ये आ गया है, आप जब फरमा रहे थे कि इसकी कीमत बढ़ गई, इसकी कीमत बढ़ गई, अब वक्त तो ये आ गया है कि चंद एक चीजें शायद हूं लिस्ट में कि आप आसानी से ये कह सकते हैं कि हुकूमत को इनकी चीजें या इनकी कीमतें बढ़ाने का याद नहीं रहा, वरना जिंदगी को अजीरन करने के लिए, जिंदगी को मुश्किल तरीन करने के लिए, और क्या किसी ने खूब कहा था कि तंग दस्ती अगर ना हो, गालिब ने कहा था तंदरुस्ती हजार नेमत है, लिल्ला आज लोग अपनी तंदरुस्ती के पीछे नहीं है, रोटी के पीछे हैं। कोई जमाना होता था लोग कहते थे दाल मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, जिंदगी बसर होगी। जिस मुल्क में आज दाल, जो माजी में कहा जाता था कि दाल मिल जाएगी, अचार मिल जाएगा, आज चुन चुन के उन चीजों पर हमला किया जा रहा है कि देखते हैं कि ये गरीब आदमी जो है रोटी कैसे खा लेता है इन नामसायद हालात के बावजूद। आपने सब्जियों का जिक्र किया, हमारा मौसम, हमारी जमीन, हमारा मेहनती किसान, हमारा पानी, यहां सालाना तकरीबन 85 से 90 लाख टन सब्जी पैदा होती है। आज से 10 साल पहले भी ये इतनी ही थी तकरीबन, या 5-7 लाख टन कम थी। सबसे ज्यादा फी का समय एक बंदे को 18 से 20 किलो सालाना आलू मिल जाता था, 8 से 10 किलो सालाना प्याज मिल जाता था, दीगर सब्जियां जिनमें मटर है, गोभी है, टमाटर है, वो अलहदा थी। आज देखें कितनी बड़ी क्यामत टूटी हुई है कि 22-25 रुपए किलो बिकने वाला आलू जो किसान से बिका, वो बाजार में या जब सारफ के पास पहुंचा तो वो 55-60 रुपए किलो से कम नहीं मिल रहा। और ये बात नहीं, इसमें मोहल साहब ये जो कीमत है उसकी आलू की, वो तो 90 रुपए किलो तक हुई है, आज कोई 80-85 रुपए किलो कम हुआ है, 90 रुपए किलो तक आलू। समी साहब मैंने तो ये कहा ना कि 22 रुपए वाला आलू अगर 85 रुपए में बिक रहा है, तो साथ मुझे ये भी फिर कहने दे कि किसान से 30 रुपए किलो ली हुई गंदम का आटा 50 रुपए बिक रहा है। और क्यामत क्या है, जब एक जिम्मेदार MNA से बात करता हूं, एक जिम्मेदार हुकूमत मौजूदा की फाइनेंस कमेटी के जिम्मेदार से बात करता हूं कि डॉलर में तो ऊपर नीचे कर लिया लेकिन रोटी तो खाने दे, तो जवाब आगे से कौम सुनने क्या मिलता है, कितना मजाक है। मुगल साहब अगर आटा सस्ता कर दिया तो अफगानिस्तान स्मगल हो जाएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, गोया स्मगलिंग नहीं रोक सकते, पोरस जो बॉर्डर है उसको नहीं रोक सकते, महंगा इतना कर दो कि स्मगलिंग ना हो। मैंने कहा हजूर फिर उसकी जगह संगे जरा ले आए, पीस पीस के लोगों को पत्थर दें और उसकी रोटी बना के खाएं, आपको जाए वोट दे आए, 5 साल के लिए बेहोश पड़े रहे, फिर आप पे जाए मोर दे के आ जाए। आज इतनी जबरदस्त तकलीफ का बायस है ये बातें, मैं वाजे कर दूं, यही आलू 20-25 रुपए किलो बिक सकता है। 4 पॉइंट है पैदावार का, पैदावार यकसर बढ़ाने का कोई बंदोबस्त ही नहीं, और पंजाब हुकूमत ने क्या किया 2 साल पहले, स्टार फार्मिंग आएगी, आ गई, 2-4 अरब रुपया दे दो, क्या होगा, आसमान पर सिर्फ आसमान रह जाएगा, जन्नत रह जाएगी, हर चीज जमीन पर उतरेगी, 4 अरब भी गया टैक्स पेयर का, किसी को सुकून, सब्जी 1 रुपया भी सस्ती ना मिली। दूसरी चीज मिडल मैन, जैसे मैंने अर्ज की, मिडल मैन क्या करता है कि मियां साहब वोट इस सारे इलाके के आपके हैं, मिडलमैन को आप हाथ नहीं डालते, वो 2 रुपए की चीज 10 रुपए की बेच देता है। तीसरी चीज बर्दाश्त के बाद का नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। समी साहब आप जैसा जीरक इंसान परेशान होगा, मेरे मुल्क में अगर 90 लाख टन सब्जी पैदा होती है तो 45 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना कि सब्जी जो बर्दाश्त के बाद जाया होती है उसे रोकना है, उस 45 करोड़ से यह 35% जाया होने वाली सब्जी, गोया 90 लाख टन में से तकरीबन 30 लाख टन सब्जी जाया हो जाती है, आलू हो या प्याज हो, और उसको रोकने के लिए 45 करोड़ रुपया रखा गया। जिस बाबू ने कंट्रोल करना था, डिफेंस में माशाल्लाह
कोठियां तो तीन बना ली, लेकिन ये ज़िया होने वाली सब्जी एक ग्राम भी कम ना हो सकती। जब इस तरह के रखवाले हों, इस तरह की अय्याशी हो, तो फिर हम समझें कि वहां चीज सस्ती मिल जाएगी। आज भी जिम्मेदारी से दुनिया टेलीविजन पाकिस्तान का बेस्ट टेलीविजन है, आप एक बेस्ट एंकर है, मैं जिम्मेदारी से कह के जाता हूँ, लाहौर के इर्द गिर्द, कराची के इर्द गिर्द, पिंडी के इर्द गिर्द, इंटरनेशनल लेवल पर जो जैसे होता है, आप दो दो चार चार एकड़ के इस तरह के सप्लाई पॉइंट बना दें। किसान दीपालपुर में ये मुगल साहब, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो इतनी ज्यादा कीमत में इजाफा हुआ है, अब मटर जो है वो 100 रुपए से 180 रुपए किलो तक वो फरोख्त हो रहे हैं इस वक्त, और ये सर्दियों की सब्जी है, यानी आने वाली सब्जी है, इतनी ज्यादा कीमत में इजाफा उस वक्त जब सब्जी मार्केट में आना शुरू हो जाए। इसका जवाब देता हूँ, इंडिया में जो छोटी बात होती है बड़ी बात होती है तो कहते हैं जी इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया की मिसाल ले लें, 3 महीने पहले प्याज की कमी आई, मनमोहन साहब ने क्या कहा, किसानों का नुमाइंदों को बुलाओ, क्यों नहीं, क्या करना है उनको, बताओ क्या मुश्किल है, मुझे प्याज इतना प्रोड्यूस करके दो, और प्याज की पैदावार हो गई। यहाँ क्या होता है, फलां सब्जी की शार्ट आ जी, बुलाओ बाबुओं को आके एच ब्लॉक में, मुझे मॉडल टाउन में ब्रीफिंग दे, वो खूबसूरत सी ब्रीफिंग तैयार करता है, बंद कमरे में बता देता है। ऐसे होता है जैसे हर चीज इस कमरे में पैदा हो जाएगी, सर इसके लिए 10 करोड़ चाहिए, दे दिया, शीरे मादर समझ के तकसीम कर दिया। अच्छा मुगल साहब, 10 करोड़ खा लिया और एक ग्राम भी जो चीज पैदावार बढ़ानी थी वो ना बढ़ सके। अच्छा आप हमारे साथ ही रहिए, मैं जाता हूँ, इरफान खोकर साहब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि एक दूसरी चीज जिसकी कीमत महंगी हुई है वो LPG है, आगे गैस नहीं होगी सर्दियों में, तो LPG पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होगी और उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। खोकर साहब ये बयान कीजिएगा कि ये अभी तक तो ओग्रा ने नोटिफिकेशन ही नहीं दिया और उससे पहले ही कीमतों में इजाफा हो गया। समीर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम मौजू पे आपने आज मुझे मदू किया, ये हमेशा इसी तरह हुआ है, ओग्रा बड़ा बेख्तियार आज तक देखें कि जितनी लूटमार हुई अरबों रुपए की, 400 अरब की लूटमार अभी तक हुई है और कोई पकड़ने वाले, 7-8 साल के अंदर आप देखेंगे LPG की प्रोडक्ट जो 9 रुपए केजी थी आज 250 रुपए केजी पिछले साल बिकी है, ये कोई पूछने वाला नहीं, किसी कंपनी का आज तक एक लाइसेंस भी कैंसिल नहीं किया गया, यहाँ पे लूट मार का बाजार अभी तो आप 20 नवंबर के बाद देखेंगे जो सूरत हाल होने वाली है। मैंने गवर्नमेंट को 12 दफा कहा और अभी भी लिखने, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने बहुत काम किया, अभी प्रोडक्शन बढ़ेगी, बट अभी एक मैं आपको ऐसी चीजें 2-3 बताने जा रहा हूँ कि अभी जो डिमांड एंड सप्लाई का डोंगर चाह के जो LPG की ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट होगी, अभी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ी है, ओग्रा ने हर महीने की 3 तारीख को नोटिफाइड करना होता है प्राइस को, प्रोड्यूसर पाकिस्तान का जो अनाउंस करता है उसके मुताबिक रीजनेबल प्राइस ओग्रा ने उसको नोटिफाइड करना होता है, अभी तक ओग्रा ने नोटिफाइड नहीं किया, उसके बावजूद जो गैस माफिया कार्टल हैं उन्होंने कीमत फौरी तौर पर बढ़ा दी है और ये हमेशा हुआ है। और आप देखें जो सर्दी आ रही है, नेचुरल गैस की बेहद कमी है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एनर्जी सेक्टर में इतना बड़ा खला है, सिर्फ एक ही सेक्टर है वो LPG का जो इसको पूरा कर सकता है। ओग्रा चाहे तो चीज़ों को कंट्रोल किया, पूरी दुनिया में अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, आज तक किसी इतने ताकतवर माफिया, इतने ताकतवर समीर भाई, आज तक एक लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सका। अभी मैं एक और आपको अहम चीज बताने जा रहा हूँ। अच्छा मैं खोकर साहब, ये क्योंकि यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम आपके साथ गुफ्तगु जारी रखेंगे और ये जो आप अहम बात बताने वाले हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगले जो आने वाले दिन है उसमें गैस की किल्लत इतनी ज्यादा होगी कि शायद घरों में जो बच्चे हैं जब सुबह स्कूल जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे नाश्ते के बगैर सिर्फ इसलिए जाएंगे कि चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं होगी, लेकिन ये हम सब गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हमारे साथ इब्राहिम मुगल हैं और इरफान खोकर हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो सब्जियों की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ अब LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, डीजल की कीमत में भी इजाफा हो गया है, महंगाई का ये तूफान हमें कहां लेके जाएगा। ब्रेक पर जाने से पहले इरफान खोकर साहब बताने वाले थे कि अगले चंद दिनों में किल्लत बहुत ज्यादा हो जाएगी गैस की और बच्चे नाश्तों के बगैर स्कूल जाएंगे क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं होगी। जी खोकर साहब, आप कुछ बता रहे थे कि क्या आने वाले दिनों में आप देखेंगे सारा प्रेशर LPG के ऊपर जाएगा। अब जो LPG का प्रेशर जाएगा तो आपने पूरा SNGPL इनका शेड्यूल देख लिया, नेचुरल गैस है वो घरों को भी घंटों के हिसाब से मिलेगी और कॉटन इंडस्ट्री को दी जाएगी या पावर सेक्टर को, ये मैं शुरू से कहता था कि इसकी प्रायोरिटी तय की जाए, लेकिन चूंकि इसके अरेंजमेंट वजारत पेट्रोलियम ने बेहद कोशिश के बावजूद अभी तक जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन आई है वो 12
1200 टन से बढ़ के जनवरी फरवरी तक ये 2100 मेट्रिक टन क्रॉस करेगी, लेकिन वो फिर भी हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी क्योंकि हमें डिमांड जो है वो तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 3500 मेट्रिक टन डेली होगी, इसमें फिर भी एक गैप आएगा। जी बिल्कुल, 20 नवंबर के बाद नवंबर दिसंबर और जनवरी तक ये 3 और 4 महीनों में तकरीबन 3500 टन डिमांड होगी और यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो 1200 से 1600 टन अभी तक आई है, जनवरी में जाके 2100 टन तक पहुंचेगी। लेकिन इतना बड़ा क्राइसिस ये पैदा किया गया, वजारत पेट्रोलियम ने बेहद काम किया इस एनर्जी क्राइसिस में निकलने के लिए, वजारत पेट्रोलियम जहाँ काम किया, मैं भी उनके साथ और मैं मुंतखब वजीर आज़म के साथ एक मुलाकात चाह रहा हूँ कि फौरी तौर पर इसको एनर्जी क्राइसिस से सिर्फ एक ही रास्ता है LPG को प्रमोट करके निकाला जा सकता है। अच्छा, ये खोकर साहब एक ये बताइए, ये भी इतलात है कि एक जहाज आया हुआ है अक्टूबर के पहले हफ्ते से, लेकिन अभी तक उसको अनलोड नहीं किया गया LPG, वो क्या कहानी सर? वो कहानी ये है कि यहाँ पे साबिक वजीरत के प्रेस सेक्रेटरी जाद बशीर साहब वो जहाज लेके आए, मैं बड़ी उनको ये कह लें खराज तस्कीन पेश करता हूँ। यहाँ पे इस वक्त बड़ी जरूरत थी एनर्जी क्राइसिस में, आप देखें कि जितनी प्रोडक्ट बाहर से ज्यादा आएगी आवाम को सस्ती गैस मिलेगी। उन्होंने जहाज 12 अक्टूबर को गालबन वो आया और अभी तक वो बर्थ नहीं हो सका, उसकी 2-3 वजूहत हैं। चूंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे कार्टल ऐसा माफिया है, वो चाहते हैं कि जिस तरह पंजाबी का शेर है कि गलियां उधर सुदियां विच मिर्जा यार फिरे, यानी वो लोग अकेले हों, कार्टल हो, उनके पास भी प्रोडक्ट हो, अपनी मनमानी कीमत अदा करें। जाद बशीर साहब ने एक यहाँ के एक लोकल कंपनी को पैरामेड को इमरान खान साहब को वो जहाज फरोख कर दिया। आज ये इस बात को भी एक वीक गुजर गया है, उसके बावजूद वो शिप आज तक बर्थ नहीं हो सका। वो कुछ 3600 मेट्रिक टन गैस है उसमें और वो 40 करोड़ समथिंग की वो आई है प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट इस मौके पे आई है कि यहाँ पे जितने कार्टलाइजेशन जिन्होंने कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ानी थी उनको मौका नहीं मिला। अब उनको मौका ना मिलने की वजह से उन्होंने वो जहाज बर्थ नहीं होने दिया और इंतजार कर रहे हैं कि शॉर्टेज हो, कीमत बढ़े तो उसके बाद वो जहाज बर्थ जी जहाज। अच्छा, साहब हमारे साथ रहिए, मैं फिर मुगल साहब आपकी इंटरवेंशन चाहूंगा। ये आज डीजल की कीमत में भी इजाफा हो गया, अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो डीजल की प्राइस तो कम हो रही है। ये पिछले दिनों भी ये हुआ जब हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, एन उस वक्त इंडिया में उन्होंने पेट्रोल की कीमत में कमी की, तो ये इजाफे का सिलसिला और ये जो मुनाफे का सिलसिला है, कहीं कोई आप इसमें ब्रेक देखते हैं? शमी साहब वाजे वाजे बात है, हुकूमत सुबह चेक कर ले, आज भारत में वो भी इंपोर्ट करता है डीजल, हम भी इंपोर्ट करते हैं। आज भारत में भारतीय रुपयों में डीजल 51 रुपए है उनके 1 नवंबर से, ये 51 रुपए पाकिस्तान के 95 रुपए बनते हैं। आज अगर भारत के मुताबिक रेट रखा जाए तो यहाँ डीजल का रेट 95 रुपए होना चाहिए, अगर यहाँ 117 है और 120 करने की तैयारी है, गोया उसकी निस्बत 25 रुपए इजाफी लिए जाएंगे। 11 अरब लीटर सालाना बिकता है, 250 अरब रुपए का भारत की निस्बत इजाफी कौम को पाकिस्तानी को टीका लगाया जाएगा। दूसरी बात, जिस दिन ये हुक्मरान आए 11 मई को इंतखाब हुए, 1 जून को टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर ही किया इन्होंने, और उस दिन डॉलर बैरल जो रेट था वो तेल का था 97, 96, 95 पे आ गया, आज ये 97 पे है, रुपी थोड़ा डिवैल्यू हुआ, उस लिहाज से भी डीजल आज 95 रुपए लीटर बनता है, जिसमें 15 रुपए की लेवीज होगी, उस लिहाज से पेट्रोल 93 रुपए में बनता है जिसमें 20 रुपए की लेवीज होगी। लेकिन अगर सौदागर उसका पेंदा खाली हो जाए, वो चाहे कि 30-30, 40-40 रुपए लीटर के कमा के दिहाड़ियां लगा लो, जिस तरह के मिनिस्ट्री पेट्रोलियम या मौजूदा हुक्मरान लगा रहे हैं, डॉलर की ये तजारत ये नहीं छोड़ते, सब्जी की तजारत ये नहीं छोड़ते, दूध की तजारत ये नहीं छोड़ते, 34 रुपए किसान से लिया हुआ दूध लाहौर में बोतल में बंद करके 94 रुपए लीटर बिक रहा है, किसान का 34 रुपए बिकने वाला दूध लाहौर में पानी 65 रुपए बिक रहा है। देखें इससे बड़ी क्यामत और क्या होगी, 93 रुपए लीटर पेट्रोल अगर कोई चाहे मेरिट पे कर सकता है, 95 रुपए डीजल कर सकता है, लेकिन ये तरजीह किसकी है कि कौम को आसानी पैदा की जाए? जी खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो जरूर कहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो एलपीजी की प्राइस है, आपने मुझे आप बता रहे हैं कि जो डोमेस्टिक हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है उसकी तो कास्ट सिर्फ 9 रुपए केजी आती है, ये हल क्या है इसका, किस तरह प्राइस नीचे आए सारी? आप देखिए प्राइस के साथ दो हल है, इस वक्त या तो इस पे लेवी टैक्स लगा के इम्पोर्ट को फिजिबल कर दिया, या इम्पोर्ट के ऊपर जो है वह GST फ्री कर दी जाए। मैंने कैलकुलेशन मिनिस्ट्री पेट्रोलियम को पहले भी दी, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर को लिख रहा हूं कि अभी अगर GST इम्पोर्ट से फ्री कर दिया जाए, पाकिस्तान को मजीद एक साल में 500 अरब रुपए का
ज्यादा मुनाफा होगा और अवाम को गैस सस्ती मिलेगी। अभी अभी तक जो इंपोर्ट हुई है पाकिस्तान में रिकॉर्ड इंपोर्ट हुई है। भोले बादशाह हैं जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये बताएं हुकूमत को छोड़े, आपकी बात सुन प्लीज, मेरी बात सुन ले, आप ये नहीं बताएं पाकिस्तान को 500 अरब बचेगा, आप ये बताएं कि हाकिम को क्या बचेगा, अपने सब्जेक्ट पे फैसला हो जाएगा, आप ये बताएं वजीर आजम को क्या बचेगा, सुबह ही फैसला हो जाएगा, आप ये बताएं। मुगल साहब मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा, मैं आपके सब्जेक्ट पे नहीं बोलना चाह रहा, गुजारिश ये है कि आप डीजल की बात करते हैं, पाकिस्तान में अगर एलपीजी इंपोर्ट पर जीएसटी उठा दिया जाए 500 अरब के बाद लोगों को 80 रुपए लीटर एलपीजी मिलेगी जो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में 50% सस्ती होगी। बात तो लॉजिक से करने की है, असल में करेगा कौन, मुसीबत यही, यहाँ पे 400 अरब लूट के अपने मोहल्लों में लोग पहुंच गए, मुल्क छोड़ के भाग गए। बात ये इस वक्त मौजूदा जो मुंतखब हुकूमत है उसको मजबूत करना चाहिए, हमें उसको अच्छे सजेशन देने चाहिए, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहिए। हम एज एलपीजी एसोसिएशन, मेरे साथी तमाम जितने भी जाहिद बशीर या पैरामेड इमरान साहब जितने भी लोग इंपोर्ट करके इस मुल्क में लाएंगे, एनर्जी क्राइसिस को दूर करके एलपी डिस्ट्रीब्यूटर उसके साथ खड़ी होगी, आवाम को एलपीजी सस्ती मिलनी चाहिए। 9 रुपए केजी की प्रोडक्ट जो है वो 250 रुपए किलो मिलती, सिर्फ प्रोडक्ट ना होने की वजह से, तब प्रोडक्ट इस मुल्क में वाफर होगा, डिमांड सप्लाई का इनका जो डोंग खत्म हो जाएगा और कार्टल को पकड़, जिस तरह कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ने 2009 में मेरी दरखास्त पे केस फाइल किया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसको 32 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ। ये सारी बातें तो अच्छा, इरफान साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बयान कीजिएगा कि अगर हुकूमत टैक्स नहीं लगाएगी, अगर हुकूमत टैक्स नहीं लेगी तो फिर चलेगी कैसे? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब गैस इंपोर्ट होगी इस पाकिस्तान में, इस दफा जो लीगल तरीके से एलपीजी आई वो 70,000 टन आई अभी तक नवंबर तक अक्टूबर तक जी, और जब इसको इनलीगल जो समगल होकर एलपीजी आई है उसके मुताबिक तकरीबन 1,40,000 मेट्रिक टन गैस अभी तक 10 माह में आ चुकी है। अगर इसको जीएसटी फ्री कर दिया लीगल तरीके से लाई जाए तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जो रिटेन करेगी, दो दफा एलपीजी सेल होगी, एक मार्केटिंग कंपनी जीएसटी देंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर देगा, उसकी मद में 500 अरब प्लस साल का इकट्ठा होगा। और पाकिस्तान में आप देख लें अगले 2 साल के बाद 5,000 मेट्रिक टन डेली गैस हमें चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान खोकर साहब और इब्राहिम मुगल साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बात पर दोनों हजरात का कंसेंसस था कि पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिसमें पाकिस्तान के अवाम के मफादात को मद्देनजर रखा जाए। अगर ये सोच आ गई हुक्मरानों में, हकूमत में, तो यकीनन तमाम अशिया की कीमतें भी कम हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज का निफाज फिर किया जा सकेगा जिसका हकीकी फायदा अवाम को हो, कार्टल्स को ना हो। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।